मैं एज अ स्टूडेंट ना एक गलती किया, तो ऐसे टाइम मेरा नौकरी नहीं है, लोगों को अच्छा इनकम नहीं मिल रहा है और जो मिल रहा है उतना इनफ नहीं है, तो वो इनकम को कैसे और बढ़ा। जिस घर का आज रेट 25,000 है उसकी ईएमआई 80,000, वाई गोल्ड लोन विद हम, आप सबको गोल्ड क्यों दे रहे हो, वाई गोल्ड? बहुत लोग पूछ रहे हैं गोल्ड तो सेंसिबल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसे क्यों मिलता है? तो हुआ ये कि मुझे पता चला एक ऐसा बिजनेस एग्जिस्ट करता है जो आपको अपने एवरीडे खर्चों पर एक्चुअल गोल्ड देता है, और ये देखकर मुझे भी लगा कि भैया ये कैसे हो सकता है। अब इसीलिए आई रीच आउट टू द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी और मैंने उन्हें बुलाया अपने यूट्यूब चैनल पर ताकि मैं ये चीज उनसे ही डायरेक्टली समझ सकूं। और सबसे क्रेजी बात तो है कि इसे समझने की प्रोसेस में उन्होंने बहुत सारी चीजें शेयर की अबाउट व्हाट इंडिया कैन डू राइट नाउ टू बिकम रिच। ये एपिसोड लिटरली इतना ज्यादा वैल्यू पैक्ड है, हमने हर एक चीज डिस्कस की कि इन्वेस्टमेंट्स को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, आपके इनकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, बिजनेस को कैसे शुरू किया जा सकता है, एग्जीक्यूशन प्रोसेस कैसे होती है, बिजनेस जर्नी में एजुकेशन कितनी मैटर करती है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अराउंड कॉन्ट्रोवर्सी और आपने उन्हें करना चाहिए या नहीं। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज्यादा वैल्यू पैक्ड एपिसोड है एंड आई कैन अश्योर यू एट द एंड ऑफ इट यू विल बिकम अ स्मार्टर ह्यूमन बीइंग। इस वीडियो में आपको अंक फाइनेंस के फाउंडर आशीष खांडेलवाल सर के इतने रिच बिजनेस एक्सपीरियंस की एक छोटी झलक दिखेगी। एंजॉय। तो सर, सबसे पहले जो मैं आपको पूछना है वो ये है कि आज के जमाने में मैक्सिमम लोगों को स्टार्टिंग सैलरी ऑफर की जाती है 25,000 पर, यानी 3 लाख पर, या 2.5 लाख पर, व्हाटएवर। ये कितने सालों से होता है? इट मे बी फॉर द लास्ट 5-6 ईयर्स दिस हैज बीन द स्टार्टिंग सैलरी लेवल ऑफर्ड सबको, लेकिन इस टाइम में महंगाई भी इतनी बढ़ी ना। तो जब ये सारे क्रिएटर आके बोलते हैं तुम SIP करो, तुम इन्वेस्ट करो, द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट कम्स बैक इज कैसे करें, है ही नहीं पैसा। सो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, मतलब है ही नहीं यार, कैसे ही नहीं, क्या करेगा आदमी? नहीं, बात सही है, नहीं का? और ये लास्ट 5-7 साल की बात की, ये मेरे ख्याल से बात बहुत सही है। हाँ, पैसे ही नहीं है तो इन्वेस्ट कैसे करें? एग्जैक्टली। इंडिया में इतना स्टॉक मार्केट घुमाया, इतना व्हीकल घुमाया, बोलते हैं कि काफी लोगों ने डीमैट अकाउंट खोले, सब बराबर एवरेज SIP का अभी भी 1500 रुपये। हाँ, आई डेट टोल्ड दैट एवरेज से भी 1500 रुपये। ना तो ओके, और अगर आप रस्ते को गिरे का ये एवरेज है। हाँ, तब जैसे इन्हीं ना काफी लोग जो इधर है, बराबर काफी लोग ने तो भी कहा ये भी पटो या ये भी कहा है ना, वो रियलिटी है, नॉट रियलिटी है, राइट? यू नो, लाइक नाउ इसका मतलब क्या है कि आपको हर एक अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो स्पीस पे नहीं है। इसलिए जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं इसको एम्बेड कर सकता हूँ क्या आपकी जर्नी में। तो आप गए, आपने जरूरत चाय पी, आपने पिंक बहुत आपको करना ही है, आपको जिंदा नहीं रखिए, पैसों करना ही पड़ेगा, सुबह का दूध भी आएगा और शाम को पार्टी भी करना चाहिए, सुबह गलती है। इस पूरी प्रोसेस पर बैन स्पेंडिंग, कैन दो स्पेंड स्टार्ट गिविंग यू you know, return in terms of marketly assets. Okay. So in a way, it becomes a return, right? On spend, right? That's a philosophy which you're talking about. Now, just to give you an example, right? Ek saal hua hai, mein, ek saal, do mein hai, right? Online QA. To humne pehla product we launched kiya, wo tha X-Card, right? Now, X-Card ka objective kya tha? It's a prepaid card, right? Abhi, dekho, kitna bhi hangama ho, kitna bhi sab kuch ho, aap credit card, har kisi ko nahi de sakte ho, right? Aur, har kisi ko lena bhi nahi chahiye. हमारे DNA में हम उतना ही खर्चा करें जितना हम करना चाहते हैं, तो अभी आपके पास चॉइस क्या होती है, या तो आप डेबिट कार्ड यूज कर लो जिससे आपको कुछ मिलता है, नहीं था, या फिर आप यूपीआई कर लो जिसमें आपको स्क्रैच कार्ड या फिर सम डमी पॉइंट कुछ मिलता है, तो हम यार बताते हैं इससे अच्छा है कि आपको एक देते हैं जिसमें आप पैसे लोड करो, नहीं था आप ही का पैसा आपकी मंडी है, आपको जहाँ स्पेंड करना करो अनकंडीशनल एंड अनकैप, राइट? कुछ नहीं है कि आपको यू नो इतना मिलेगा आपको दिस एंड गॉड, राइट? हर एक खर्चे पे आपको 1% इज बैक इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, ओके, और इंस्टेंटली। तो आपने दिस इज डिजिटल गोल्ड, राइट? और सिंस उस वक्त आपको क्वांटिटी मिलती है, यानी कि उतना जितना हमने खर्चे किया उससे 1% एक मिनट आपको क्वांटिटी मिली, राइट? हर एक खर्चे पे अनकंडीशनल, राइट? ऐसा कोई एक्सक्लूसिव कैटेगरी नहीं है, ये नहीं कि आप यहाँ पे करोगे तो नहीं मिलेगा, वहाँ पे करोगे तो मिलेगा, राइट? Now you start accumulating, wealth. Like last 8 साल में, yeah, 8 साल में, right? In fact, अगर हमारे कस्टमर ने मई में सपोज करो 100 रुपए का यू नो गोल्ड इस दौरान इस यू नो खर्चे करते हुए इकट्ठा किया, उसका वैल्यू एज ऑफ जुलाई एंड, राइट, वेंट अप बाय 55%,
जब तक उसकी वैल्यू होगी तब तक वो 100 रुपए है नहीं, उसकी वैल्यू ऑलरेडी कम हो चुकी है। और ये इन्फ्लेशन जो है कि जो हमें पता है, लेकिन रियल में अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन और भी ज्यादा है। लेकिन उसी दरमियान गोल्ड की वैल्यू हेज वाला करेक्ट एंड मिड टू लॉन्ग टर्म में कोई भी ऐसे क्लास इन्फ्लेशन भी करता ही है, करता ही चाहिए राइट, जैसा कि देखा गया है राइट। सो दैट्स अ होल फोर आइडिया। फिर इसी ड्यूरेशन पे फिर हमें एक और चीज चलती जैसे कि मैं पहले ही बताया था राइट, एचडीएफसी इंजीनियर इज ग्रेट राइट फॉर सेलेक्ट सेटअप पर्सन, बाकी करते हैं आप बाकी के लिए काफी सारे ग्रेड कराते हैं नहीं आते ग्रेड कर दिए, बेस्ट ट्रेवल कार्ड है, बेस्ट ग्रॉसरी कार्ड है, बेस्ट ये कार्ड है, वो कार्ड है, एक दो जगह चलते बाकी जगह ठीक है। सो हमें क्या गया, थोड़ा ट्विस्ट करते हैं नहीं सो हमारे जो पाई पाई क्रेडिट कार्ड है इस एवरी डे बेस्ट कार्ड राइट, सो इट गिव्स यू 3% बैक राइट अक्रॉस ग्रॉसरी हुआ, शॉपिंग हुआ राइट, ट्रेवल हुआ, डाइनिंग इन हुआ, फूड ऑर्डर हुआ राइट, आप पर करना है ओ टी टी हुआ, नेटफ्लिक्स डिजी स्टार किसी भी आपको बैठ करना है, 200 रुपए पे इस पॉइंट पे आपको अभी 20% रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, जो कि राइट आज के डेट में होटल फ्लाइट बुकिंग सब यूज कर सकते हो, लेकिन जल्दी ही वो भी असाइड भी कन्वर्ट होने वाले हम तो आपसे दैट समथिंग यू आर वर्किंग ऑन राइट नाउ राइट। आपसे नाउ इमेजिन राइट हर एक स्पेंड पे मेजर पार्ट ऑफ द स्पेंड पे 3% इंक्रीमेंट यू आर एक्युमुलेटिंग द रिवॉर्ड, नाउ दिस बिकम्स अ प्रीमियम कार्ड फॉर एवरीबॉडी राइट। सो हम जब भी ये लोग कुछ भी बना रहे हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम हर एक अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करें जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो राइट, जहाँ पे आपको हर एक वक्त ऐसी चीज मिले राइट जिससे जिसका भी फ्यूचर में वैल्यू बढ़ सकता है राइट। इस मार्केटिंग बीच में हो सकता है डिब्बी होगा, लेकिन इन जनरल गोज अप राइट ना। सो सी दैट्स अ होल पॉइंट राइट ना, आप इसको दूसरे गैस सोर्स है राइट। मैंने पूरा एवरेज इंडिया का ऐसा है कि 1500 रुपये 1500-1600 रुपये राइट थोड़ा नीचे नंबर हो सकता है, बट नॉट दिस इज ओनली फॉर फंडामेंटली द क्लीन क्लास राइट, दिस इज अ बिग मास राइट आर दिस एवरीबडी हु इज देयर। जो बंदा एवरेज 1500 रुपये का अगर ऐसा पी है 1500-1700 रुपये का ऐसा पी है राइट, वो अमूमन अगर आप न्यू मुंबई बैंगलोर दिल्ली जैसे जगह बैंगलोर तो आपको 25,000 रुपये महीना तो खर्चा होता ही है राइट। अब मैं एवरेज लेता हूँ कि आपको एज अ अंक यू पर 3% मिलता है, 3% लेते हैं, 3% 900 रुपये आपने एक एस आई पी किया जो भी करना चाहिए करना चाहिए, लेकिन आपने जब एस आई पी नहीं भी किया जब आप सोच भी नहीं था आपसे खर्चा कर रहे थे उन चीज़ों पर जब आपकी जरूरत थी तब भी आपने गोल्ड इकट्ठा किया जिसकी वैल्यू इंक्रीजेस लाइक एंड देन द कंपाउंडिंग। सो दैट्स अ होल 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 पीस लाइक एवरी टाइम एवरीवेयर ऑन एवरी स्टैंड यू शुड बी योर बिल्डिंग अस। सर अभी आपने अपने कंपनी के बारे में बात किया ना, तो अभी हर एक आदमी जो देखेगा ऑब्वियसली आप लोग स्केप्टिसिज्म समझेगा कि अभी आप सबको रिवॉर्ड्स में गोल्ड दे रहे हो, सो आपका कंपनी कैसे पैसे कमाता है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है नहीं देखिए अगर ऐसे कंपनी मैं पैसे नहीं बनाऊंगा तो मैं कस्टमर को कैसे दूंगा, यूजर को कैसे दूंगा राइट। तो इसके लिए हम लोग काफी कुछ चीजें करते हैं राइट। पहली बात तो ये अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कभी भी कोई भी पेमेंट होता है राइट, कार्ड का क्रेडिट कार्ड हुआ, डेबिट कार्ड हुआ, बाकी पेमेंट के जो तरीके होते हैं जनरली आप जो पे करते हैं जो मर्चेंट को मिलता है उसके बीच में ही मार्जिन होता है, इनपी का एक कमीशन होता है वो हाँ जिसको इंटरचेंज इनकम या फिर जिन्हें इंडिया में बोला जाता है राइट, जो कि आपकी किसी भी बैंकिंग पार्टनर को मिलता है। MDR मीनिंग मर्चेंट डिस्काउंट रेट, मतलब अभी आप अगर क्रेडिट कार्ड से दुकान पे 100 रुपये देखो उसको 100 नहीं मिलेगा, उसको शायद 98 मिलेगा जो होता है वो बैंक डील हाँ उसके लिए, क्योंकि आपको पूरा नाफा होता है राइट हाँ इन सब का मिलता है ना। That's how most of the, or in fact everybody enables the point. Right? आपको कोई point देता है, कोई आपको cashback देता है, right? अब उसमें हमने थोड़ा twist किया। पहली बात हमने बोला कि यार एक तो हमारे खर्चे कम करते हैं, तो हम लोग ज्यादा marketing में spend नहीं करते हैं, right? बॉबी छोटी सी टीम है जो भी ये काम कर रही है। दूसरा चीज हमने बोला कि यार जब मैं आपको ये point देता हूँ ना, पहली बात तो मैंने आपको point दिया, आपने जब तक वो पॉइंट एक्यूरेट हुए जिसका आप यूज कर सकते हो, फिर मैंने आपको बोला कि आप मेरी पोर्टल पे आके बोलोगे तभी मैं आपको उसकी वैल्यू मान लू राइट। मच राइट एज ए कस्टमर मेरा पैसा नहीं बन गया। सो ये जो मार्जिन है इस मार्जिन में से मैक्सिमम राइट इज व्हाट वी गिव बैक एंड इसलिए सस्टेनेबल है राइट।
फॉर एग्जाम्पल जब से लॉन्च किया है राइट, एक्स कार्ड पे 1% अनकंडीशनल अनकैप मिलता है, ये लोग वो मिलता है ना, हमने कभी बीच में चेंज किया ना कभी हम चेंज करने वाले राइट, इवन फॉर यू नो अदर यू प्रोडक्ट वेर एवर वी यू नो आर एबल टू यू गेट द मैक्सिमम मार्जिन राइट, वी आर ट्राइंग टू गिव इट बैक टू द कस्टमर इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर राइट. सो एज ए कंपनी यस वी मेक मनी राइट, उस यू नो कमीशन पैसे मिलते हैं, एक सैलर बोल रहे हैं जबकि सिर्फ पैसों को वापस देते हैं बचता हो आप. हाँ, और हमारा एक बिलीफ है कि यू नो एज कस्टमर स्टार्ट यूजिंग यू दिस मोर राइट, इवन वो छोटा सा मार्जिन विल बिकम बिग राइट और साइजेबल फॉर अस राइट, सो इट वर्क्स यू नो बेस्ट फॉर बोथ राइट, कस्टमर के लिए भी अच्छा है हमारे लिए भी अच्छा है. सर एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपने आपको आइडिया आया बराबर कि मैं कोई बिजनेस बनाने का कस्टमर को गोल्ड देंगे ऑर्डर एंड कोई भी बिजनेस आइडिया हो, एक क्वेश्चन में मुझे बहुत ज्यादा आता है कि अगर मुझे बिजनेस आइडिया आया है मेरे को पता है क्या करना है, एग्जीक्यूट कैसे करूं. ओके, दी एग्जीक्यूशन का सबसे पहला स्टेप है एग्जीक्यूट करना शुरू करो. हां भाई, पर अपन भी ना केस. ओके, सो फेयर पॉइंट राइट. सो देखिए मैं तो सब पूछते हैं देने गाइडेंस दे दो गाइडेंस दो, अभी देखो शुरू हो गाइडेंस ले. वी आई थिंक यू नो हम जिस देश में रहते हैं राइट, आई थिंक काफी सारी चीजें सिंप्लीफाई हो चुकी है. आज से ऐसा नहीं कि पहली बार यू नो आइडिया बिजनेस करने का रही था, आज से 10-12 साल पहले भी आया था बराबर, तब समझ नहीं आ रहा था मुझे भी राइट, समझ नहीं आ रहा कि कौन गाइड कर सकता है. आज के डेट में आई थिंक इफ यू लुक अराउंड राइट, काफी गाइडेंस अवेलेबल है राइट, फ्रॉम यूट्यूब टू यू टेल इट योर वर्ड राइट, आपको बता देगा. लेकिन कोई भी आपको एग्जीक्यूट करना उसके लिए कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. पहली बात देखो, आइडिया की है ना वैल्यू जीरो है राइट, आपको बस आइडिया है तो हर किसी को बताता है. आई थिंक किसी भी चाय के डफरी पे आपको हर कोई आइडिया डिस्कस करते हुए मिल जाएगा राइट. व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज यू गोइंग टू द सेकंड लेवल ऑफ डिटेल्स राइट, व्हिच इज लाइक अब ये आइडिया जो है इसका मतलब क्या है, इसको करने के लिए क्या चाहिए राइट. सो आई थिंक दैट बिकम्स अ प्राइमरी स्टेप राइट. द सेकंड स्टेप इज किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए राइट, एक बेसिक चीज होती है कि आप उस प्रॉब्लम को इतना छोटा कर दो कि इसको सॉल्व करना ईजी होता है राइट. जब आप बड़ा जो प्रॉब्लम सोचोगे तो बहुत बड़ा दिखता है राइट, लेकिन आप उसको भी छोटा कर दो. सो फॉर एग्जाम्पल पहला स्टेप क्या है कि पहले स्टेप है, पहले मैं समझ लेता हूँ कि यार ये जो मैं बनाने की सोच रहा हूँ वो कस्टमर कैसे रिएक्ट करेगा. आप जाओ लोगों से बात करो राइट, आपके दोस्त हुए या फिर आपके यू नो बाकी सर्कल लोग हुए. दूसरा स्टेप होता है कि आप ये जो भी कस्टमर को चाहिए वो कस्टमर उसके लिए पैसा दे रहा क्या, क्योंकि एट दी एंड बिजनेस यू नो हैज टू मेक मनी एज वेल राइट. डोंट गो टू योर फ्रेंड्स राइट, डोंट गो टू योर फैमिली राइट, जस्ट गो किसी यू नो अनजान इंसान से बात करो, उससे पिच करो राइट. तो दिस इज सेकेंड स्टेप राइट. फर्स्ट स्टेप इज अब ये हो गया आपका एक प्लेन पीस ऑफ पेपर पे डिसाइड करो कि ये आप करोगे तो इसमें इनकम कहाँ से हुई, कच्चे काम कहाँ हो सकते हैं. नाउ देखिए किसी भी बिजनेस को शुरू करने के बाद काफी चीजें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, सडनली कुछ भी हो सकता है, एक काफी सरप्राइजिंग है एंड दैट्स फाइन राइट. जब तक आपके पास यू नो उद्देश्य है, आप मेरे ख्याल से उन सब जो दुविधाएं होती हैं उनको आप इजिली क्रॉस कर सकते हो, उसमें कोई कितनी महान बात नहीं है. नाउ कम्स टू थर्ड पार्ट राइट, इस बिजनेस को करने के लिए मेरे पास इनेबिलिटी है राइट. देखिए हर एक बिजनेस को करने के लिए पैसा नहीं चाहिए, लेकिन सब बिजनेस को करने के लिए पैसा चाहिए. सो यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग राइट. अब कैपिटल कहाँ से है, हाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन. एंड उसके लिए गुड पार्ट विद इंडिया राइट नाउ इज हमारा है ना इको सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग और काफी मैच्योर होता जा रहा है राइट. सो देर आर एक्सेलरेटर्स राइट, देर आर एक्सेलरेटर. सो सिंप्लीफाइड वे में मतलब कुछ कंपनीज कुछ यू नो ऑर्गेनाइजेशन कुछ लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जहाँ पे आप अगर जाओ अपना आइडिया पिच करो, उनको आइडिया पसंद आए तो वो आपको अनाउंस कर देते हैं, मतलब आपको वो बेसिक रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर जो जर्नी वो सुविधाएं आपको देते हैं, पैसे भी आपको थोड़ा प्रोवाइड, थोड़ा पैसा देंगे, थोड़े कनेक्शन देंगे, थोड़ा गाइडेंस देंगे, थोड़ी यू नो लीगल एडवाइस देंगे राइट. सब काफी सारी चीजें जो कि अवेलेबल है, आप जा सकते हो. दूसरा काफी सारे इंडियस है राइट. सो ओवर टाइम फॉर एग्जाम्पल आई ऑल्सो बीन एंजल इन्वेस्टर माइंडसेट राइट. अब एंजल इन्वेस्टर का सबसे अच्छा बात जो होती है वो ये कि आपको पूरा एक मैक्सिम समझानी है, आपको एक अपना आइडिया समझाना, आपको बता रहे कि आप में वो दम है करने के लिए राइट. सो वो भी अवेलेबल है. एंड देन बीसी इकोसिस्टम आई थिंक दैट्स फेयरली फेयरली यू नो गुड राइट इन द कंट्री राइट. सो वो एवेन्यूज हैं आपके पास राइट.
उसके अलावा मेरे ख्याल से बूटस्ट्रैप करना भी एक ऑप्शन है। सर आपने कैसे बनाया बूटस्ट्रैप? नहीं, सो व्हेन वी स्टार्टेड राइट वी ऑब्वियसली यू स्टार्टेड यू पुटिंग हर योर समथिंग फ्रॉम आवर पॉकेट बट देन एंजल इकोसिस्टम हेल्प अस अ लॉट। सो वी रेज $3.5 million राइट एट द पीसी नाउ वेल सपोर्टेड बाय सम ऑफ द न्यू बेस्ट ऑफ द एंजल्स एंड बेस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स राइट। सो यस एग्जैक्टली राइट इफ यू हैव एन आइडिया आई थिंक देयर इज अ इकोसिस्टम व्हिच इज अवेलेबल, आपको वो स्टेप लेने की जरूरत है। इस पे एक फॉलोअप क्वेश्चन भी है कि बहुत से लोग होते हैं जो पढ़ाई कर में या फिर अभी जॉब में, तो उनका ऐसा सवाल होता है कि मैं छोड़ दूंगा जॉब, मैं ड्रॉप आउट कर लूंगा कॉलेज से सो दैट आई कैन परस्यू माय बिजनेस गोल्स। तो उस पे आपको क्या लगता है? मेक सेंस? ओके, सो अगर आपके पास यू नो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है या फिर आपके पास डिसेंट यू नो फैमिली बैकअप है, मेरे ख्याल से छोड़ना बुरा नहीं है। ठीक है, कॉलेज ऑल्सो ड्रॉपिंग आउट? Why not, right? मतलब, see, I am fundamentally of the belief कि कॉलेज को भी करना चाहिए, लेकिन ऐसी जरूरी है। If a one of my co-founder, he's a college dropout. Okay. Like, again, he was, you know, driven by his own passion. Like, he's a hardcore tech enthusiast. He like, यार, उसको कोई भी मैकेनिक इंजीनियरिंग करा। तो देख रहे हैं मैकेनिक इंजीनियरिंग क्यों करूं? जब मुझे, you know, डेवलपमेंट की करना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की करना, right? So I think it's your calling, right? That's the something, but I still prefer. You finish up with your basic level of education, primarily because something will be worth learning. But anyway, so that's one part. The second part is, agar nahi hai, I think the best thing is to start part time. Right? In fact, in the past as well, right, I've tried at multiple part of time, mentioned some of the ideas while I'm working full time with the corporate. Like, tab dheere dheere chote chote step lo. Usse aapka fayda ye hai ki aapko ek to wo samay bhi milta hai. और आपकी लाइफ में एकदम स्ट्रगल शुरू नहीं होती, क्योंकि देखिए जब आप शुरू करते हैं ना, तो उसके बाद एकदम से आपको लगेगा कि आपसे नहीं पानी गया तो पैसे का टाइम दे अगेन डिपेंड ऑन कि आपके ऑब्लिगेशन इतने हैं, आपकी सपोर्टिंग कितनी है, सम सपोर्ट राइट। सो मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ का सही और गलत आंसर नहीं होता है, राइट। हर एक चीज़ बाइनरी नहीं होती है, राइट। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी स्थिति क्या है, आप करना क्या चाहते हो। तो फॉर एग्जाम्पल दो साल पहले जब हमने शुरू किया, जब हमने ये कदम उठाया, हम बहुत ही क्लियर थे कि यार हमें फुल टाइम ही करना, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या करना। हम एक ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़े थे, प्लस इतने सालों कॉर्पोरेट में काम करके थोड़ी मोर सेविंग भी नहीं था, तो वी कुड यू नो टेक दैट कॉल। आज से दस साल पहले शायद नहीं करता, लाइक आज से दस साल पहले मेरा अप्रोच जो था वो ये था कि पहले पार्ट टाइम करते रहते हैं, देखते हैं कि बेसिक लेवल में सॉल्व कर पा रहा नहीं कर पा रहा, और मेरे लिए उतना डिटरमिनेशन है भी या नहीं है, देखता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है अच्छा लगता है नहीं ना। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट दो ढाई साल में बता सकता हूँ, काफ़ी बार ऐसा होता है जब यू नो आपको दिमाग में आता ही आप दिया नहीं, क्योंकि हर दिन अच्छा ही होता है नहीं। इनफैक्ट एज एंटरप्रेन्योर वन थिंग गुड यू नो बैक एंड वी फीलिंग ऑल एट द सेम टाइम, ऑल द इमोशंस एट द सेम टाइम, नहीं था ऐसा भी नहीं कि मैं एक घंटे पहले अच्छा फील कर रहा हूँ, एक घंटे बाद दूसरा कर रहा हूँ, उसी मोमेंट पे तीनों इमोशंस आते हैं। सो इट बिकम्स अ वेरी इमोशनल यू नो राइड, राइट। सो मेरा सजेशन तो ये कि यार देखिए एक बार आपको पता है आप क्या करना चाहते हो, राइट, उस स्थिति में टेक द बेस्ट कॉल, राइट, बट स्टार्ट। इवन पार्ट टाइम इज नॉट ए बेटर ऑप्शन, राइट, फुल टाइम बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि देन आपका फोकस एक ही चीज पे, राइट, पार्ट टाइम में आपको अपना जो फोकस को डाइवर्ट करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक विद द डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स राइट इट डिफर्स ड्रामेटिकली। तो एज कंटेंट क्रिएटर यू कैन एज वेल बी यू नो पार्ट टाइम, राइट, बट देन इफ यू फुल टाइम आई डिसएग्री ऑन दैट बिकॉज़ मेरे को लगता है कंटेंट क्रिएशन को फुल टाइम दो, राइट, इवन इफ यू हैव अ टीम इट्स लाइक वेरी मच फुल टाइम दो। सो आई फील इफ यू वांट टू डू कंटेंट क्रिएशन एक साल का टाइम दो, तुम सब कुछ छोड़ के वो बनाओ। इनकम बढ़ाने आज के जमाने में यूथ ने क्या देखा, बिकॉज दैट्स अ बिग बिग कंसर्न एंड पीपल आर वरीड, बिकॉज इंडिया का भी तो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो आया रीसेंट डेटा वाज 9.2%, इट वाज ह्यूज 7% से 9.2%। सो ऐसे टाइम में हम नौकरी नहीं है, लोगों को अच्छा इनकम नहीं मिल रहा है, और जो मिल रहा है उतना इनफ नहीं है, तो वो इनकम को कैसे और
मेरे को ऐसा लगता है राइट एंड आई थिंक दिस इज ट्रू अक्रॉस राइट इन्वेस्टिंग इन यू इज अ वेरी फर्स्ट स्टेप बहुत सर लाइक मैं अभी आपको नेक्स्ट ये पूछने वाला था कि स्टूडेंट्स ने कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज मेरा हाँ मैं वही बोलता हूँ बताया मेरे को ना मैं एज अ स्टूडेंट ने एक ग्रंथ ही लिया था क्या बताया मैं स्टॉक्स वगैरह 19-20 से था मैं बस जाके स्टॉक्स वगैरह खरीदता था अभी मेरे को नहीं लगता यार शायद उस टाइम पे वीडियो एडिटिंग सीख भी होगी तो कॉन्टेंट मीजर में हाथ समझ उठगी या फिर अगर उस टाइम पे मे बी मैंने कोई और ऐसा स्किल सीख लिया होता जो आज के जमाने में मुझे काम आता अगर मैंने वीडियोग्राफी सीखी होती तो मैं कॉन्टेंट और बेहतर बना सकता अभी देखो सर मैं आई वर्क विद सम ग्रेट पीपल फैंटास्टिक टीम पर अभी ना मैं अपने जो जो कॉन्टेंट मैं कंज्यूम करता हूँ उसके बेसिस पर बता रहा हूँ क्या करना मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ शायद उस टाइम पे मैं क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से भी बोल सकता हूँ लाइक एज अ वीडियोग्राफर दिस इज व्हाट आई वांट दिस इज व्हाट आई थिंक कैन बी बेटर एज अ एडिटर दिस इज व्हाट आई थिंक कैन बी बेटर एब्सोल्युटली राइट देखिए आदित्य द गेट रिच क्विक माइंडसेट है ना आई थिंक इट्स अ बैकवर्ड हां ठीक है एंड यू राइटली सेड राइट अपने में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट आप अपने स्किल सेट पर वर्क करो द सेकंड पीस यू शुड डेफिनेटली डू इज एवरी टाइम यू नो इन्वेस्ट इन यू You upskill yourself, right? You also need to understand market end. For example, abhi you know AI, right? Even great, right? For example, there are possible. Then you still said, right? It will keep you know doubling. You have to upgrade, right? एक बात सवाल ये था सर कि आज ऐसे क्या behavior है जो लोग बया more particularly young population कर पाए क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा young population है जो उनको गरीब रखा है मतलब उसको मोबिलिटी नहीं दे रहा बिकॉज सर वो बहुत टिपिकल दिखा है कि तुम स्टारबक्स का हॉबी पीते हो तुम उबरिंग करते हो इस ने तुम उबरिंग हो बट आई डोंट थिंक दैट्स अ बिग डील नो दैट्स नॉट वेरी दैट्स नॉट लाइक एक हफ्ते की 300 रुपए की कॉफी नहीं है उसके वजह से नहीं रह रहे हैं लोग देयर हैज टू बी समथिंग एल्स या तो देखिए मेरे ख्याल से यू आर एब्सोल्युट राइट राइट आई से मुझे लगता है कि जैसे मैं जब एग्जांपल दे रहा था मुझे लगा कि आपको पार्टी भी करनी चाहिए देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट या अपग्रेडिंग योर लाइफ स्टाइल ओके आई मीन सेड दैट राइट देखिए मेरे ख्याल से एक तो गरीबी की अपनी जो भी है ओवर टाइम राइट एक पैमाना ये होता है कि अगर आज आपके पास इन बुक्स खत्म हो जाए आप 6 महीने 8 महीने एक साल चल सकते हो क्या जी सकते हो राइट कीपिंग द सी लाइफ स्टाइल राइट ना वहाँ पे आ जाता है बेसिक फंडा विच इज ऑफ डिस्पोजेबल इनकम राइट गलत नहीं है कि आप खर्चा करो गलत नहीं कि आप सब कुछ खर्चा करो राइट गलत ये नहीं है कि लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो वो आपकी आपकी कैपेबिलिटी गलत है कि आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो ठीक है तो मेरे ख्याल से एक चीज जो कि काफी प्रोमिनेंट है अभी राइट और जो कि काफी टाइम से चलती आ रही है विच इज द एंटायर कंजम्पशन ड्रिवन कल्चर डू यू रियली नीड टू रिप्लेस योर योर फोन एवरी 6 months और 8 months और यू नो 1 year राइट आई थिंक इट्स योर चांस राइट डू यू रियली नीड टू यू गो आउट एंड every time it's purge, like this is your choice, right? Lekin just ki aapko kisi ne influence kar diya, aapko karna hai, I think wo thoda hai, right? So there's something. Second piece is, dekhiye over time hai na, ek aise scholarship, beech mein real kaam hona shuru hui thi, right? Abhi dekhna padega limited, lekin, for example, this entire philosophy, right? Ki rental economy is better, right? Is it good? Yes, to an extent, right? Is always good? No. Is my view. Why wrong? देखिए होता क्या ओके सारी तरह लगता है इस पर इनसे राइट मुझे ऐसा लगता है कि कैश फ्लो कंट्रोल लाना राइट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द बैंक पेशन सो फॉर एग्जाम्पल गलत है राइट यू नो कि मैं घर में रह रहा हूँ वो मेरे घर पर ही रहा नहीं आज उसका रेंट 25,000 रुपये है आइडियली रेंटल माइंड सेट के हिसाब से 25,000 रुपये का रेंट है विच इज ओके राइट अगर हम मेरी इनकम लेते 2,00,000 रुपये महीने का तो मुझे लगता है यार क्यों मैं घर के दूँ सपोज करो आपने घर खरीद लिया नहीं था और जो भी आपकी मैं ऑक्सीजन है पता नहीं 50,000 रुपये ओवर टाइम दिस 50,000 फिक्स यू नो कि मेरा एक कैश फ्लो तो फिक्स है नहीं था इतना मेरा आउटगो होना ही है नहीं था अब उसके ऊपर जो भी आप कमाओगे वो इनकम एक्स्ट्रा है नहीं था अभी सन जैसे बीच में यू नो काफ़ी रश हुआ था नहीं था स्पेशली लाइक बैंगलोर है सर ये रेंटल्स वेंट अप लाइक 3x 4x सो दिस 25,000 इज नो वोट 25,000 25,000 started becoming, let's say, 60,000 rupees. Suddenly, your outflow becomes higher. One of you, Amish, yeah, like,
normally see up for let's live in Mumbai. Mumbai में rent 2-2.5% का property value का for the whole year. अब property value लाती है ऊपर 6-8% के बीच. तो rent भी more or less उस same rent से ज़्यादा है. तो भी landlords का fixed होता है. मैं 10% से बढ़ाऊँगा. तो again मैंने calculation नहीं देखा था कि अब again by the way मैं इसमें तो पूरी मानता हूँ कि घर तो फॉर ये कितना long. But मैं बोल रहा हूँ कि renting के sense में भी जिस घर का आज rent 25,000 है उसकी EMI 80,000 और 25,000 5,000 पे जाने टाइम लगता है. पास ही है वही था. अब दो देख देख मैं मेन प्लान एक है था इट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर इट्स लाइक सो आई एम नॉट टॉकिंग टू इन्वेस्टमेंट आ रहा था उसने तो ये थोड़ा ही पसंद ही होता है और एक रिव्यू द अदर वियतनाम ये से वो बुरा ही पसंद है लाइक मेरा जो इस मूवी का आउटलुक है जो कि एक सर्टेनिटी होनी चाहिए लाइक मेरा कितना ही खर्चा होने वाला है क्योंकि उसके बाद जैसे जैसे आप एक्सेस आपकी इनकम भी धीरे बढ़ती जाएगी यानी कि वो एक्सेस यू नो पैसा बनता जाएगा वो एक्सेस पैसा आ यूटिलाइज करते हो आपकी चॉइस है. लेकिन घर फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा खर्चा है जो कि आपके पास रहने वाला है वो आज 2500 का 3500 का 4500 का होगा अपने नहीं बात. सो इफ यू कैन लाइक टेक दैट स्टेप लाइक इन टर्म्स ऑफ जैसे जो बाइंग हाउस अगेन लाइक कॉन्ट्रैक्चुअल आपका वो खर्चा एक पॉइंट तक क्रेडिट हो गया आपको पता है कि इतना ही मेरा EMI यानी कि अब मैं उससे जैसे आना शुरू करूंगा हायर वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है लेकिन मेरा जो रेंटल बचा बच्चा प्रॉपर्टी का न्यू प्राइस सेम भी रहा जैसे फॉर एग्जाम्पल और आपने 20 साल गया उसको बेच भी दिया आपका बाकी कैश आउटफ्लो तो सेम सो आई थिंक इट्स जस्ट यू नो यू नो पर्सन से लाइक एंटायर रेंटल इनकम इज नॉट बैड लाइक बट मूवी एवरीथिंग लाइक आई थिंक इट्स बैड लाइक 4,000 का न्यू महीने का रेंट पे फ्रिज नहीं मारा जो फ्रिज 40,000 का ही जाता है वही था और मुझे नहीं लगता कि सेंस होता है क्योंकि आप फ्रिज तो दस भी यूज कर सकते सो लेकिन अब ये चीज दूसरे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे कैमरा है उस कैमरे को मैं एक बार यूज करने वाला हूँ वही था उसके लिए मेरे को 3,00,000 का खर्चा नहीं करना चाहिए उसके लिए इट्स ओके टू यू गिव इवन लेस 10,000 रुपीज फॉर रेंट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यू नो रेगुलरली यूज व्हाट इज नॉट रेगुलरली यूज राइट एंड देन डिसाइड कि कहाँ पे किसके ऊपर क्या यू नो स्पेंड ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. सर अभी व्हाई गोल्ड विद हम आप सबको गोल्ड क्यों दे रहे हो व्हाई गोल्ड बहुत लोग पूछते हैं गोल्ड तो उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं है ऐसा कितने लोग मिलते हैं व्हाई गोल्ड एंड उस पर एक फॉलोअप क्वेश्चन भी है कि अभी एक आदमी अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाए आइडियल कॉम्पोजिशन टू स्टार्ट विद. ओके सो लेट मी आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट लाइक व्हाई गोल्ड फैमिली पीपल ऑफ गोल्ड लाइक फर्स्ट थिंग एज आई सेड लाइक हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मास के पास देखो असेट होना चाहिए वोट मतलब ऐसा असेट है जो कि किसी को समझ में आ जाए ठीक है. सो दिस वन थिंग नाउ इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट बैड इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन साइकिल राइट इफ यू लुक एट द लॉन्ग टर्म इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट इफ यू लुक एट शॉर्ट टर्म नॉट टिपिकली यू नो गोल्ड प्रोटेक्शन वैल्यू प्रोटेक्शन राइट 10-11% ये मान के चलते हैं ये हिसाब से. सो दिस द वन एस्पेक्ट. सेकेंड एस्पेक्ट इज हम लोग सिर्फ गोल्ड पे नहीं रुक रहे हैं तो अभी सोन के अनपॉइंट अनपॉइंट के अंदर बाकी असेट भी होंगे राइट जैसे रियल एस्टेट राइट न्यू बॉन्ड सो गोल्ड इज अ स्टार्टिंग पॉइंट सबको समझ में आता है राइट. दूसरा यू नो असेट विल इंट्रोड्यूस विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस असेट स्टॉक्स एंड अदर पीसेस वन बाय वन. सो दैट्स वन एस्पेक्ट आई हैव इट बिकॉज यू आर राइट इट हैज टू बी पोर्टफोलियो इट कैन नॉट वन वन थिंग. So this cannot be key music board yet. Right? Absolutely starting point. Like as I said, company, I think, as you're building, we are building from the one. Now coming to the second part, in terms of competition challenge, I think depends a lot on your multiple pieces, right? Since you know I'm not a registered you know, advisor, right? I don't think I can give you, but let me put this right. Mujhe aisa lagta hai personally, right? Different stages pe different or you know or you know product state. For example, jab main thoda young tha, right? Relatively, right? My risk appetite possibly was much, much higher. Right? Hence, mera kaafi had tak investment jo tha, wo riskier segment, in stocks, as I started growing up, as we started, you know, as I started, you know, unexciting work, I also started accumulating real estate, for example, right? As a part of my portfolio. Then, in between, I started increasing my exposure on the FD, right? You could call it. Now, over time, it becomes a composition, right? Because as I get closer to possibly my retirement, right, my exposure value will change. My new exposure will change, right? So, when you can see, you know, this is one of the, you know, peeps. Younger,
Take one is, right, as you, you know, grow, right, start taking down under this, right, have a stable, you know, portfolio, because then you need that money. Right, at starting a paper meeting. सर एक कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल भी सब अभी ये करंट इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप है उधर आपको क्या लगता है कि गलत क्या हो रहा है एंड एक उसके स्पॉइलर भी देता हूँ मेरे को लगता है कि आज के जमाने का ना सबसे बेकार चीज़ है फिर क्योंकि सब कर रहे हैं मैं नहीं बोल रहा एफएनओ बेकार है मैं सीए का डाटा होल्डर हूँ आई नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज बट आई डोंट थिंक सबसे सब नहीं करना चाहिए अगर जो इंसान महीने के 25 लाख रुपये से नीचे कमाते हैं उसके लिए एफएनओ नहीं होना चाहिए यू शुड हैव टू सबमिट एन आइडिया ऑफ 25 लाख बहुत ही वैलिड सवाल है राइट बट लेट मी जस्ट गिव यू वन यू नो पीस एंड बिफोर आई गिव यू द रियल आंसर राइट दैट आई थिंक टूल्स आर स्लेव ऑफ मास्टर्स इन द सो लाइक आपको अगर आता नहीं है आपको करना नहीं चाहिए अब ये लुक है राइट मेरे ख्याल से हर इंडस्ट्री प्रोडक्ट इट हैज अ डिफरेंट नीड राइट उस पर डिफरेंट रिस्क एपेटाइट है और उसका यू नो करने का उसको होल्ड करने का और उसका और ये परफेक्ट पूरा रहे So for example, क्योंकि हेज फंड्स होते हैं वो जिस तरीके से में इन्वेस्ट करते हैं वो किसी तरीके को नहीं करना नहीं जिस तरीके इन्वेस्टमेंट में रिटेल विडी चार्ज इन्वेस्ट करता है राइट आप उसको शायद वो जो भी कंस्ट्रेंट है अपने फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं करना चाहिए सो फॉर एग्जाम्पल राइट जैसे कि स्टॉक्स अगर आपको आपको हर महीने के पैसे चाहिए राइट स्टॉक में इन्वेस्ट करना अच्छा है क्या नहीं जिनके पास होल्डिंग डिविजन है जिसको समझ में आता है उसके लिए फीचर्स एंड ऑप्शन सही है लेकिन वो क्या है मेरे ख्याल से एक है ना क्रेज यू नो बना दिया गया मैं आपको एग्जांपल देता हूं सो विद यू नो नेमिंग लाइक सो विद द गाय आई नो एंड देयर इज अनदर गाय राइट हु इज अ गुड एफएनओ ट्रेडर लाइक उसको फ्यूचर ऑप्शंस ऑन ना है इस दूसरे वर्ल्ड में नहीं आता वो एक्चुअली 1.5 साल पहले या 2 साल पहले की बात है उससे उसको किसको बताया अब उसको 5 दिन में क्या समझ में आया नहीं आया पता नहीं लेकिन उससे कहा economy was dead. In 3 days, he lost close to 80,000 rupees. फिर उसने ऐसे चलते थे बातों में मुझसे पूछा राइट जैसे मैं भी करता हूँ राइट सुन लिया जिससे तुमने क्या उससे नहीं करना चाहिए था देखो पता था क्या उससे कि नहीं हम ऐसे बात हो गई थी बात करते करते लगा कि economy में पैसा बचता है तो डाल दिया देन इज बैड राइट सो आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग टू डू विद द नेटवर्क ऑफ कोर्स विद द नेटवर्क योर रिस्क कैपिटल गोज़ अप लाइक अगर वैसे उस बंदे की नेटवर्क 5 करोड़ है 80 रुपये नुकसान भी हो तो आप लगेगा क्या कोई दिक्कत नहीं नुकसान तो होना क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो करना कैसे तो आई थिंक यू नो मोर देन क्लासिफाइंग बेसिस नेटवर्क दे शुड बी अ बेसिक क्लासिफिकेशन बेसिस द रिस्क प्रोफाइल लाइक सर वही ना अभी जब आप अपना फोन पे जीरो दायर जो भी ऐप यूज उधर वो पता था कि एफ एड और इसकी मत तू भी करता है लोग मतलब अभी देखो ना सर अपने आपको आपके दिमाग में सर नहीं मैं बता रहा हार्पिक का जो मॉडल है ना उस पर भी लिखा रहा था डू नॉट ड्रिंक यस वो ही पॉइंट है फिर भी पीते हैं ना लोग पॉइंट लेकिन उसके लिए फिर कई जो प्यार जैसे एज ए गवर्नमेंट राइट राजस्थान की 25 लाख या 30 लाख आपकी नेट इनकम होना चाहिए तब आपके कानून जाना चाहिए यू कैन ऑल्सो लुक एट अदर वे राउंड बिकॉज सर प्रॉब्लम पीपल डोंट अंडरस्टैंड लेवरेज सो देन आई क्लासिफाई देम Right? So for example, classify them, हार्दिक का example है अगर आप किसी सुपर मार्केट में जाओगे और आप 4-5 साल के बच्चे हो आपके कुठार हो गए तो वहां पर रुकेगा वहां पर नहीं ले जाने देगा सुपर मार्केट में लीजिए मेरा नॉवल किराना शॉप राइट क्योंकि उसको एक पता है क्या इसको एक बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग नहीं है राइट अब ये अंडरस्टैंडिंग गैप तो 25 साल के बंदे में हो सकता है वो भी आपके को मिस यूज कर सकता है राइट सो मेरा ओपिनियन है कि नेटवर्क इज नॉट ए क्राइटेरिया वॉट शुड बी क्राइटेरिया कि आप एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंड जैसे आप सी एफ ए हो गए सो एज अ सी एफ ए लाइक यू नो सर्टेन थिंग्स सी एफ ए होना कोई बड़ी बात नहीं है सी एफ ए का क्राइटेरिया है टू डील विद सर्टेन थिंग्स इंजीनियर होना कोई बड़ी बात नहीं है इंजीनियर होना एक क्राइटेरिया टू डील विद सर्टेन सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल आप एक कट ऑफ होना चाहिए इस प्रोवाइड का जस्ट बिकॉज 25 लाख या 30 लाख इनकम मेरे ख्याल से डजंट नहीं मैटर क्योंकि एप्स आई नो And you might have heard, right? I've heard in my news sector as well. People who are earning like crazy amount of money have also gone bankrupt. Yeah. Right. So it's still one. Wo criteria hona chahiye ki aapko samajh mein aata hai.
अब उसके लिए टूल्स हैं, तरीके हैं जो कि डेवलप करने की अपनी करता है कोई भी गवर्नमेंट राइट यू नो केसेस पे करना पड़ेगा कैन यू जस्ट गो एंड यू नो फाइट इन सुप्रीम कोर्ट देयर इज अ लॉयर राइट बिकॉज़ देयर इज अ बेसिकली लेवल ऑफ फायर आर दे सेइंग इट्स रिक्वायर्ड सर बट एनी आई हैव गॉट दिस पॉइंट यू डिड आंसर द क्वेश्चन व्हाट डू यू थिंक इज रॉन्ग विद द फाइनेंशियल लैंडस्केप सो द प्रॉब्लम विद द करंट यू नो फाइनेंशियल लैंडस्केप इज यू नो एक तो यार हर चीज को है ना एक एक्सेसिवली ग्लोरीफाई कर दिया ठीक है दूसरा मेरे ख्याल से हर किसी को समझाया नहीं जाता बताया नहीं जाता तीसरा हर एक असर हर किसी के लिए नहीं है राइट जिनके लिए है उनको समझ देने के लिए जो टूल्स एंड टेक्निक्स होनी चाहिए वो यू नो अवेलेबल नहीं किया जाता एंड चौथा जो अनफॉर्चुनेटली है मोस्ट ऑफ द पीसेस गेट डम टू डिटेल ओके हाउ सो से फॉर एग्जांपल दिस इज स्टॉक्स स्टॉक में जब उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होते हैं तब आपको काफी अपाइफुल दिखेगा राइट आपको काफी बड़े इन्वेस्टर विजुअल बड़े इन्वेस्टर का इंटरेस्ट दिखेगा जब वो ऊपर जाने के होता है तब रिटेल को एक्सेप्ट किया जाता है राइट कि है ना ये बढ़ रहा है अब मैं घूम सकता हूँ जब वो रिटेल घुसता है तब आपको दिखेगा कि अपाई एग्जिट कर रहा है इसलिए हमेशा बोला जाता है कि रिटेल इज द यू नो लास्ट वन राइट हु इज लेफ्ट होल्डिंग कैन वॉर्म राइट ट्राइंग बिकॉज यू गेट एक्साइटेड राइट आई डोंट थिंक एक्साइटमेंट इज ऑलवेज गुड राइट understanding is good. Current financial landscape, you know, doesn't give you that insight, right? Information arbitrage बहुत ज़्यादा है. वो information arbitrage अगर कम होगा, तो FNO, I think it will suffer. Anyway, sir, ये मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा crazy podcast था, because मैंने भी इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखी. And thank you so much for coming on my channel. You guys can check out Alpha Finance with the link in the description. And अगर आपको इंग्लिश में कुछ नया सीखने मिला है, तो subscribe to the channel. I'll see you in the next one.